प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आंकड़ों का संकलन, संगठन और प्रस्तुतिकरण क्या होता है। इससे पहले मैं आपको सांख्यिकी का परिचय पढ़ा चुका हूं। एक ही वीडियो में 1 घंटे से भी लंबा मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को समझने के लिए आप पहले ये चीज समझिए कि जो सांख्यिकी है वो अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों के अध्ययन के माध्यम से, यानी आंकड़ों के माध्यम से समाज आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक मुद्दों को सुलझाने का कार्य करते हैं। परंतु दोस्तों, आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है, और सांख्यिकी को ये काम करने के लिए आंकड़ों पर का सहारा लेना पड़ता है। और हमें इस 11th क्लास की सेकंड चैप्टर में, या कहें कि सेकंड यूनिट में, यही चीज समझा रखी है कि उन आंकड़ों को हम कैसे एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद उन्हें हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, यानी सुव्यवस्थित यानी संगठित करते हैं, और फिर उनको कैसे प्रस्तुत करते हैं, जिनसे किसी भी जटिल से जटिल समस्या को, स्पेशली आर्थिक समस्या को समझने में सहायता मिले और हम उस समस्या का समाधान ढूंढने में सफल रहें। तो दोस्तों, ये तो था बेसिक। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर आंकड़ा क्या होता है। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी, या फिर कहें कि इस टे टिस टिक, मुझे इसको थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि मुझे कुछ कुछ टंग प्रॉब्लम है, बट स्टैट्स इसे हम शॉर्ट में कहें कि ये जो हमारा स्टैट्स है ना, ये टोटली डिपेंड्स होता है हमारे नंबर्स पे, यानी हमारे डाटा पे। और ये जो डाटा है ना, जो आंकड़े हैं ना, ये होते क्या हैं? तो देखिए, आंकड़ा, अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूं तो ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये केवल एक संख्या है दोस्तों। बट मैं यहाँ पे इसके राष्ट्रीय आय लिख देता हूं, 50 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय आय, तो ये बन गया एक आंकड़ा। यानी आंकड़ा संख्या का एक ऐसा रूप होता है जो किसी संस्था या किसी व्यक्ति के बारे में, उसके आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी देता है, यानी आर्थिक इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी 2% बढ़ रही है, तो 2% जो है ना, वो एक आंकड़ा है दोस्तों। तो आंकड़ा उसे ही कहेंगे आप सांख्यिकी में, जो कोई आर्थिक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि आंकड़ा क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि आंकड़ों का संग्रहण क्या होता है। संग्रहण यानी कलेक्शन क्या होता है, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा किसे कहते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया। आंकड़ा क्या होता है? बहुत ही सिंपल, जो एक देश की सरकार या एक देश के नागरिक, या एक देश की सरकार या एक देश के नागरिक की क्या, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आर्थिक पक्ष के बारे में देता है, यानी आर्थिक सूचना देता है, जिससे किसी समस्या को समझने में और उसको समाधान में हमें क्या मिले, सहायता मिले। तो आंकड़ा उस संख्या को कहते हैं जो किसी देश या उस देश में रहने वाले नागरिक की आर्थिक सूचना देता है, जिससे किसी आर्थिक समस्या को समझने में और उसके समाधान करने में एक व्यक्ति को, एक सरकार को या किसी भी संस्था को सहायता मिले। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई कि आंकड़ा क्या होता है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों का संकलन, यानी संकलन बोले या संग्रहण कहें या एक एकीकरण कहें, या हम इसे इंग्लिश में एक वर्ड याद रखें, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन
कलेक्शन वर्ड आप ज्यादा याद रखें क्योंकि ये इजी रहेगा, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम बदलते हैं। यानी कुल मिला के कहें कि आंकड़ों का संग्रहण का मतलब होता है कि किसी भी आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए और उसके समाधान के लिए जो आप संख्या लोगों के पास जाकर या किसी भी माध्यम से एकत्रित करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ है कि रोजगार का स्तर इतना घट गया है। आप एक एक के घर जाते हैं या सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का अध्ययन करते हैं ताकि आप उस समस्या को समझ पाए और फिर उसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दे पाए। तो पहले आपको वो आंकड़े, उस समस्या को समझने के लिए उन आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा। तो उसे ही हम कहते हैं आंकड़ों का संग्रहण। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई हो, किसी भी आर्थिक समस्या को समझने के लिए आंकड़ों को एकत्रित करना ही आंकड़ों का संग्रहण कहलाता है, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, आंकड़े भी ना दो तरीके के होते हैं। मैंने आपको पहले तो आंकड़ा बताया, फिर आंकड़े का संग्रहण बताया। अब ये समझिए कि आंकड़े भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। जैसे प्राथमिक आंकड़े में इंपॉर्टेंट होता है अनुसंधानकर्ता, पनगणक या प्रश्नावली। ऐसी प्राथमिक में भारत की जनगणना या प्रकाशित स्रोत या प्रतिदर्श, ये सारी चीजों को समझने के लिए आज हम इसके पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें 50% मैं आपको चैप्टर कराऊंगा और 50% चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताई बातें, जिससे अब आगे की बातें आप समझने के काबिल बन सके। और दोस्तों, आप पहले पहला चैप्टर जरूर देखें क्योंकि मैंने उसमें सांख्यिकी के अर्थ को, उसकी सीमा को, उसके महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, जिससे आपको ये वीडियो भी समझने में बहुत मदद मिलेगी। आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब देखो, आंकड़ों का जो संग्रहण होता है यानी इकट्ठा करते हैं, तो दो तरीके के आंकड़े होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। भाई प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो प्रारंभ से अंत तक मौलिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, अभी डिटेल में हम देखेंगे इसको। और द्वितीयक आंकड़े ऐसे होते हैं जो मौलिक नहीं होते हैं। जब आप किसी आर्थिक समस्या को समझना चाहते हैं और उसका समाधान करना चाहते हैं, उस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं किसी भी सरकार को या किसी संस्था को, तो आप उस समस्या से प्रभावित क्षेत्र में जाकर आप खुद आंकड़े एकत्रित करते हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन से आप उसके आंकड़े एकत्रित करते हैं, या स्थानीय स्रोतों से आप आंकड़े एकत्रित करते हैं, या टेलीफोन, डाक के माध्यम से करते हैं, तो वो सारी चीजें प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आ जाती है। जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी जिस व्यक्ति की सूचना चाहिए उसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क अनुसंधान करता है। अनुसंधान करता कौन होता है? जो किसी भी आर्थिक समस्या को समझने के लिए, किसी भी आर्थिक समस्या को समझने के लिए किसी आर्थिक सर्वे कर रहा होता है, यानी आंकड़े एकत्रित करता है। जैसे एक साइंटिस्ट क्या करता है, किसी चीज को डेवलपमेंट करता है, ऐसी इकोनॉमिक्स के साइंटिस्ट को आप अनुसंधान करता कह सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान करता एक तरीके से, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है और अनुसंधान करता उसका साइंटिस्ट है, आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी अनुसंधान करता उस व्यक्ति से स्वयं मिलता है। ठीक है, इसके भी विस्तृत जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। दूसरी विधि होती है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी मान लीजिए किसी को मेरी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो मेरे किसी जानकार से मेरे बारे में जानकारी लेगा अनुसंधान करता, तो उसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहते हैं। अगर मुझसे लेता है अनुसंधान करता तो वो प्रत्यक्ष है, बट मेरे किसी परिचित से लेता है तो फिर अप्रत्यक्ष है वो। ठीक है, स्थानीय स्रोत
आपने देखा होगा कि कोई किसी गांव में कोई पान वाला है, कोई चाय वाला है, उससे आप कोई सूचना ले रहे हो उस क्षेत्र की, तो वो एक तरीके का वहां का स्थानीय स्रोत हो गया दोस्तों। और भी ये यहाँ पे दे रखा है स्थानीय स्रोत, ठीक है। और हमारे द्वितीय का आंकड़े अभी इन्हें डिटेल में देखेंगे, बट थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्या है। और देखिए, मैंने आपको कहा था कि डाक विधि द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से या प्रगणक एक व्यक्ति होता है जो घर घर जाके आंकड़े एकत्रित करता है, या फिर टेलीफोन पे भी कुछ लेते हैं। तो ये सारे वो मेथड हैं जिनके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, यानी प्राथमिक आंकड़ों को जुटाया जाता है। द्वितीयक आंकड़े हमारे मौलिक आंकड़े नहीं होते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग पहले भी कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई अनुसंधानकर्ता कर चुका होता है। इसलिए दोस्तों इन्हें मौलिक आंकड़े नहीं कहते हैं। मौलिक आंकड़ों का मतलब है जब एक अनुसंधानकर्ता स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति से या टेलीफोन या डाक तार से किसी भी माध्यम से पहली बार प्राप्त करता है शुरुआत से लेकर अंत तक, जबकि द्वितीयक आंकड़े किसी दूसरे के द्वारा पहले ही यूज कर लिए जाते हैं। इन्हें मौलिक आंकड़े नहीं कहते हैं, क्योंकि ये शुरू से लेकर प्रारंभ तक एकत्रित नहीं किए जाते हैं। ये ऑलरेडी किसी ने पहले ये सब कुछ कर रखा होता है और वहां से आप इसे डाल लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए भारत की जीडीपी की 5 साल की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं, किसी वेबसाइट में, तो वो आंकड़े आपको कहाँ से मिले? किसी अदर वेबसाइट से, तो वो द्वितीयक आंकड़े हो गए। या भारत सरकार की श्रम मंत्रालय की वेबसाइट में जाके लेते हो तो वो हमारे सरकारी आंकड़े हो गए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, प्राथमिक आंकड़े जो मौलिक होते हैं जो स्वयं जुटाए जाते हैं, और द्वितीयक आंकड़े जो स्वयं नहीं जुटाए जाते हैं, जो किसी दूसरे के द्वारा जुटाए जाते हैं। अब इसे भी दो वर्गों में बांट देते हैं, एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित। यानी जो प्रकाशित होते हैं, जो फॉर्मल होते हैं, जो जो मान्यता प्राप्त होते हैं, और एक अप्रकाशित। जैसे आप किसी भारत सरकार के मंत्रालय से लेते हैं, या राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, एमसीडी हो गया, दिल्ली छावनी हो गई, कोई भी संस्था से जो रजिस्टर्ड है वो प्रकाशित हो गए। अप्रकाशित जैसे कोई चाय वाला हो गया, कोई पान वाला हो गया, कोई स्थानीय व्यक्ति हो गया, तो वो अप्रकाशित हो गया दोस्तों। अभी इसकी हम विस्तृत जानकारी देंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि आगे हमें यही पढ़ना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंकड़ों का संकलन क्या होता है। मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया, अभी मैंने आपको बताया था कि आंकड़ा क्या होता है। बहुत ही सिंपल, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं कि आंकड़ा उस संख्या को कहते हैं जो किसी देश या उस देश में रहने वाले नागरिकों के आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी देता है, यानी उनके आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई जानकारी देता है, जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में और उसके समाधान करने में अनुसंधानकर्ता की सहायता करती है दोस्तों। अब बात करते हैं आंकड़ा। ये देखिए, आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान करता है, सूचना प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। अतः आंकड़े के संग्रहण का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट व ठोस समाधान के लिए साक्ष्य जुटाना होता है। मैंने आपको पहली बात ये कहा दोस्तों, आंकड़ा ऐसी संख्या को कहेंगे जो कोई उस देश के निवासियों की या उस देश की सरकार की किसी आर्थिक समस्या को या किसी भी समस्या को समझने में और उसे सुलझाने में मदद करता है, तभी वो आंकड़ा कहलाएगा। क्योंकि आप समझिए कि आर्थिक समस्याओं को समझने में, उनको उनके समाधान के लिए हमें आंकड़ों की जरूरत होती है, और आंकड़ों को जुटाने के लिए दोस्तों कई सारे मेथड हैं। और आंकड़े सबसे पहले तो दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया प्राथमिक और द्वितीयक। तो साक्ष्य जुटाते हैं, सबूत जुटाने का काम करते हैं दोस्तों, किसी भी आर्थिक समस्या को का अध्ययन करने में, उसे समझने में और फिर उसका समाधान करने में। इसलिए संख्यांकिकी अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संकलन सबसे प्रथम और प्रमुख कार्य है, क्योंकि आपने कोई भी आर्थिक समस्या समझनी हो, भले आपने समझना है कि भाई जो स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट क्यों आ रही है, या स्टॉक मार्केट में जो फार्मा सेक्टर है वो इतना अच्छा क्यों कर रहा है, आपको ये समझना है कि जो विदेशी विनिमय मुद्रा है उसमें कमी क्यों आ रही है,
आप ये समझना चाहते हैं कि भैया जो घरेलू उद्योग है उनकी उसमें रोजगार का स्तर क्यों घट रहा है, कोई भी आर्थिक समस्या की प्रति व्यक्ति आय क्यों गिर रही है, राष्ट्रीय आय क्यों गिर रही है, जीडीपी क्यों गिर रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक समस्या को समझने के लिए आपको सर्वप्रथम उससे संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ेगा, संकलन करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। इसलिए आंकड़ों का संकलन प्रथम और प्रमुख कार्य है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आई है, क्योंकि आप सांख्यिकी का प्रयोग करना चाहते हैं किसी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए, तो आपको उससे संबंधित आंकड़े चाहिए, और आंकड़े चाहिए तो आपको आंकड़ों को जुटाना पड़ेगा, और आंकड़ों को जुटाना आपका सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख कार्य है। अब बात करते हैं आंकड़ों के स्रोत। अब ये स्रोत क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि हमारे शरीर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, आप बोलोगे कि भैया मीट से मिलता है, अंडे से मिलता है ना, अंडे से मिलता है, मीट से मिलता है, गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है। अगर आप ऐसा समझते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो जिस भी चीज को खाने से आपकी बॉडी को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो वो उसके स्रोत कहलाती है। ऐसी अगर हम बात करें कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें सागरों से पानी मिलता है, नदियों से, झीलों से, बारिश से, कुओं से, ये सब स्रोत है। ऐसे ही आंकड़ों के भी स्रोत होते हैं। अगर आपको आंकड़ा चाहिए किसी आर्थिक समस्या को समझने के लिए, उसके समाधान के लिए, तो उसके भी दो स्रोत हैं, यानी जिन्हें आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हो। तो पहला स्रोत होते हैं प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी डाटा जिसे आप कहते हैं। एक होते हैं हमारे द्वितीयक स्रोत, जिसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो प्राथमिक स्रोतों को हम सबसे पहले समझते हैं कि प्राथमिक स्रोत या फिर प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। तो भैया सबसे पहले समझते हैं कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। वे आंकड़े जो अनुसंधान क्रिया में सर्वप्रथम प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े मौलिक होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों पहली बार जुटाए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं या फिर किसी अन्य व्यक्तियों से शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से पहली बार ये जुटाता है, तभी इन्हें मौलिक आंकड़े कहते हैं। और इनके जो परिणाम होते हैं वो अधिक स्पष्ट आते हैं, और अधिक विश्वसनीय होते हैं, और अधिक वैधता प्राप्त होते हैं। क्यों दोस्तों, रीजन है क्योंकि यहाँ पे त्रुटि होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता किसी आर्थिक समस्या को समझने के लिए और उसके समाधान के लिए अनुसंधान की क्रिया को करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक नए सिरे से आंकड़ों को क्या करता है, एकत्रित करता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है दोस्तों, आप चार तरीके से प्राथमिक आंकड़ों को, या कहें कि पांच छह तरीकों से आप प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। जब आप अनुसंधानकर्ता जिस व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित करने होते हैं उसे, अगर वो उसे प्रत्यक्ष रूप से मिलता है तो उसे प्रत्यक्ष भौतिक अनुसंधान कहते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं, प्रत्यक्ष। ये बात को जरा ध्यान दें आप कि प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे एक स्कूल में ये सर्वे करना है कि लोग बच्चों क्या कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने बच्चे मैथ में अच्छा कर रहे हैं, साइंस में अच्छा कर रहे हैं, तो मैं बच्चों से खुद जाके एक एक बच्चे से मैं खुद इंटरव्यू लूं और आंकड़े एकत्रित करूं, तो दोस्तों वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होगा, यानी ये प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया
प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहलाएगी दोस्तों। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे किसी बच्चे के आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है, तो मैं उसके किसी परिवार के सदस्य से या उसके किसी दोस्त से या उसके किसी करीबी से जानकारी लेता हूं उसके बारे में, तो वो कहलाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाएगा। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से जिससे मुझे आंकड़े चाहिए ना, मैं उससे नहीं ले रहा हूं, मैं उसके किसी करीबी व्यक्ति से ले रहा हूं। अगर मैं उसी से लूंगा तो वो पहली विधि है, और उसके किसी परिचित व्यक्ति से लूंगा तो वो अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है। ठीक है, अब बात करते हैं संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति। यानी आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए मुझे राजस्थान के गाँव की आर्थिक स्थिति में जानना है, तो मैं उसी किसी गांव के व्यक्ति से वो सूचना प्राप्त कर लूं जो मुझे वहां के बारे में वहां के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक जानकारियां दे दे, जो भी मुझे सूचना चाहिए किसी भी आर्थिक समस्या को समझने के लिए, तो उसे कहेंगे संवाददाता से सूचना प्राप्ति। और संवाददाता की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये वहां का स्थानीय व्यक्ति होता है तो इसे वहां की ज्यादा जानकारी होती है, तो ये काफी अच्छा और सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। ज्यादातर न्यूज चैनल अपनी न्यूज आप जानते हैं, जैसे कि NDTV इंडिया हो गया या आज तक हो गया, वो उसके पूरे भारत में बल्कि विदेश तक में भी संवाददाता वहां से सूचनाएं देते हैं, जिससे वो किसी भी विशेष क्षेत्र की कोई भी राजनीतिक आर्थिक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं, तो ये एक अच्छी विधि है। इसके बाद हम और भी तरीके हैं, जैसे टेलीफोन में भी हम सूचना ले सकते हैं, डाक के माध्यम से भी ले सकते हैं, और परगणक जो एक एक व्यक्ति जाकर घरों में जाकर डाटा एकत्रित करता है। तो ये तो थे दोस्तों प्राथमिक आंकड़े और प्राथमिक आंकड़ों को जुटाने के तरीके। अब आगे बढ़ते हैं हम ये समझते हैं कि आखिर द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। देखिए द्वितीयक आंकड़े समझेंगे कि द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। देखिए द्वितीयक आंकड़े, अगर हम बात करें द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पहले ही मैं आपको कहूंगा कि आप इस पे विशेष। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े जिसे अनुसंधान कर्ता स्वयं एकत्रित ना करके किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। यानी पहले से ही जो आंकड़े एकत्रित किए गए हों, आप किसी आर्थिक समस्या को समझने के लिए पहले से ही एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग कर लें, उसे ही दोस्तों हम द्वितीयक आंकड़े कहेंगे। क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े से जो परिणाम है वो ज्यादा सटीक आते हैं, उनकी वैधता की ज्यादा होती है, बट उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, मैन पावर भी बहुत ज्यादा लगता है। परंतु कोई अगर बहुत ज्यादा गंभीर आर्थिक समस्या होती है तो प्राथमिक आंकड़े ज्यादा सही माने जाते हैं, परंतु अगर कोई सामान्य समस्या है तो द्वितीयक आंकड़े बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये समय की बचत, पैसे के और श्रम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। क्योंकि वे आंकड़े क्योंकि जिसे अनुसंधान करता पहले से एकत्रित, खुद तो एकत्रित नहीं करता, दूसरे के द्वारा एकत्रित किए का ही प्रयोग कर लेते हैं। अब इसके दो तरीके के हैं, एक है प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में भाई सरकारी मंत्रालय हो गए, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भाई कहते हैं ग्रामीण कोई भी संस्थागत कोई भी नीति हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं, विश्व मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विश्व कोष के द्वारा, RBI के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा, बहुत सारे आंकड़े एकत्रित होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो वो होते हैं प्रकाशित स्रोत। एक होते हैं अप्रकाशित स्रोत, मैंने आपको बताया है ना, जो किसी करीबी से या मौखिक जो मान्यता प्राप्त नहीं होती, आप ऐसा समझ लीजिए। और अन्य स्रोत मैंने आपको बताया वेबसाइट, ये सब हमारे द्वितीयक आंकड़े हैं। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया कि भैया सांख्यिकी में आंकड़े
आंकड़ा क्या होता है और आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, और अगर अभी तक आप यहाँ थे तो प्लीज़ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।